दोस्तों गुल्ली गुल्ली चिपको डोर पार्ट 5 देखने से पहले इसके बाकी 4 पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि वरना आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। मॉन्स्टर पोटीबाज शोन को उठा लेता है, फिर इसको लेकर बाहर जाने लगता है। ना जाने पोटीबाज शोन के साथ ये क्या करने वाला है। दोस्तों ये इसको क्यों उठा रहा है, ये स्टोरी आपको पार्ट 4 में समझ आएगी। पोटीबाज शोन को ये बाहर लेकर आने लगता है क्योंकि ये इसे खाने वाला है। दोस्तों क्या इस चैनल पर डेली वीडियोस आने चाहिए, नीचे कमेंट में वोट कीजिए। इधर पोटीबाज शोन को ये लेकर बाहर आ जाता है दूसरे मॉन्स्टर के पास, जिसने इसे मना किया था कि अंदर मत जाओ और पोटीबाज शोन को ना उठा कर लाओ। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा मत करो, तुम्हें चक्की डोल नहीं छोड़ेगा। अरे चक्की डोल काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे तुम एक चौकीदार हो, तुम तो गद्दारी कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है, इसके बात को इग्नोर मार देता है। अरे ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल भुक्कड़ हो चुका है। इधर बाबा का दोस्त बाबा को बताता है कि हमें उसको ढूंढना होगा, ये खूनी काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे इसने तो बुल्ली के ऊपर भी अटैक कर दिया, लेकिन आखिरकार ये बुल्ली और शोन कहां पर है, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ना जाने ये खूनी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अरे मुझे तो अपने बच्चे की भी फिक्र है, ना जाने वो कहाँ चला गया। तभी दूसरा बाबा कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे, और ये खूनी जितना भी चालाक हो, अरे वो हमसे बच नहीं पाएगा। मुझे यकीन है कि पोटीबाज शोन, बुल्ली और तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, बस चुप करके मेरा साथ दो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तभी ये दोनों वहां पर खड़े हो जाते हैं। इधर गुल्ली भी होश में आने लग गया है। तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। अरे शुक्र है गुल्ली होश में आ गया है, लेकिन गुल्ली तो डिप्रेशन के वजह से बेहोश हुआ था। तभी गुल्ली संभलने लग जाता है, इसका मतलब अब पता चल जाएगा कि ये किलर आखिरकार है कौन, क्योंकि गुल्ली ने तो उसे देखा हुआ है। तभी बाबा इसकी तरफ देखने लगता है। तभी गुल्ली सारी बात बताने लगता है कि कैसे चक्की डोल सबको मार रहा है। तभी गुल्ली बताता है कि कैसे पोटीबाज शोन को चक्की डोल लेकर चला गया, और यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर बुल्ली भी मौजूद नहीं था। इसका मतलब बुल्ली को भी चक्की डोल लेकर गया है। अरे वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अरे उसके हाथ में खंजर है और उसके पास पोर्टल भी है। तभी बाबा कहते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अरे जो भी हो जाए अब तुम देखो मेरे पोर्टल। अरे मेरे पोर्टल के सामने वो टिक नहीं पाएगा। तभी ये सारे बादल के ऊपर बैठ जाते हैं, और अब बादल इन्हें लेकर जाने लगता है, मतलब अब बाबा भी पोर्टल के जरिए ही जाएगा। तभी बादल उड़ने लग जाता है। अब तो चक्की डोल की खैर नहीं, क्योंकि अब तो बाबा को उसका नाम पता चल गया है, और पता भी चल गया है कि ये सारे काम कौन कर रहा है। तभी बाबा पोर्टल खोलते हैं, अरे अब आएगा असली मजा। तभी बादल पोर्टल में चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद बाबा, गुल्ली और बाबा का दोस्त ये सब पहुंच जाते हैं लोकेशन पर। अरे ये पोर्टल तो बहुत ही ज्यादा खास है, इसने तो वहां पर पहुंचाया जहां पर इन्हें पहुंचना था। यहां पर तो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। तभी बादल नीचे उतर आता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, अरे ये तो यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहा है, अब ये ना जाने क्या करेगा। अरे बाबा तो फुल गुस्से में आ चुके हैं। तभी बाबा मॉन्स्टर की तरफ भागने लगते हैं, इसको मारने के लिए, मतलब अब तो इसकी खैर नहीं। तभी जूं ही बाबा मारने लगते हैं, मॉन्स्टर इसे दूर पटक देता है। अरे बाबा तो यहाँ पर गिर जाते हैं, बाबा की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा आप ऐसे नहीं गिर सकते, आप इसे मार दीजिए। अरे बाबा आप बहादुर हैं, आप ऐसे गिर जाएंगे तो क्या होगा। तभी बाबा भी कहते हैं, अरे मेरे दोस्त उठ जा, ऐसे तुम कैसे गिर सकते हो। लेकिन इधर बाबा को काफी जोर की लगती है, जिसकी वजह से बाबा गिर जाते हैं और बाबा बेहोश हो जाते हैं। अरे अब ना जाने इनका क्या होगा। तभी ये मॉन्स्टर बाबा की तरफ देखता है, अरे अब तो बाबा की खैर नहीं। तभी ये मॉन्स्टर बाबा की तरफ देख रहा होता है कि तभी ये उसके ऊपर कूदने लगता है। तभी बाबा नीचे से हट जाते हैं और पोर्टल निकालते हैं, और ये मॉन्स्टर पोर्टल में गिर जाता है। तभी गुल्ली और बाबा दोनों खुश हो जाते हैं, मतलब अब तो मॉन्स्टर का सफाया हो गया। तभी बाबा इस खुफिया घर में जाने लगते हैं, जहां पर बुल्ली और शोन को रखा गया है। लेकिन अब शोन वहां पर नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर शोन को ले गया है।
अब वहाँ पर सिर्फ बुल्ली है। तभी बाबा इस घर के अंदर जाने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, अपना बुल्ली तो मिल जाएगा, शोन को तो बाबा ढूंढ ही लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब मिलना शुरू हो गए हैं, तभी बाबा इस घर के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको बाबा पसंद है तो नीचे कमेंट में बाबा बाबा लिखकर भर दीजिए। इधर बाबा बुल्ली को ठीक करने लग जाता है। बाबा इसके ऊपर कुछ पड़ रहा है, तभी बाबा उठ खड़े होते हैं कि तभी थोड़ी ही देर बाद बुल्ली होश में आ जाता है और बुल्ली भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे क्या बात है बाबा की। तभी बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और फिर बाबा की तरफ देखता है। तभी बाबा कहते हैं, बुल्ली तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैंने तुम्हें बचा लिया है, चलो बाहर चलो। बुल्ली और बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे मेरे साथ शोन भी था, ना जाने शोन कहाँ चला गया, मुझे लगता है मॉन्स्टर उसे ले गया है। यहाँ पर दो बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े हुए थे। इधर बाबा और बुल्ली बाहर आने लगते हैं और अब शोन को बचाना होगा क्योंकि शोन को मॉन्स्टर ले गया है, इससे पहले कि मॉन्स्टर शोन को खा जाए। इधर बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इधर बुल्ली और बाबा खड़े हो जाते हैं। तभी बाबा इनके गिर सुरक्षा कवच बना देता है, मतलब आप इनको कोई नहीं पकड़ सकता। तभी बाबा जहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं तो फिर पोर्टल में कूद जाते हैं। अब बाबा शोन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इधर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे मुझे उम्मीद है बाबा शोन को ले आएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे भी बचा लिया है, मुझे काफी ज्यादा खुशी है। तभी गुल्ली कहता है, अरे हाँ बुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, अरे बाबा वैसे नहीं लौटेंगे, वो तो शोन को अब लेकर ही वापस आएंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा आग जल रही है और इधर पोथी बाज शोन को लटकाया हुआ है। अरे ये तो मॉन्स्टर है, अरे ये तो इसे पकाने के चक्कर में है, लेकिन ये तो खुद ही लावा मॉन्स्टर है, अगर ये इसे खा जाए तो पोथी बाज शोन तो इसके पेट के अंदर ही पक जाएगा, लेकिन ना जाने ऐसा ये क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर पोर्टल खुलता है और बाबा पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। अरे ये क्या, अरे बाबा जहाँ जहाँ पर पोर्टल खोल रहे हैं बिल्कुल सही लोकेशन पर आ रहे हैं। तभी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और मॉन्स्टर बाबा की तरफ देखता है, लेकिन अब इसकी खैर नहीं। तभी बाबा अपनी पावर निकालते हैं और ये पावर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी ये मॉन्स्टर पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। अरे ये क्या, बाबा ने इसे पत्थर बना दिया और अब ये यहाँ पर हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। अरे ये तो यहाँ पर एक निशानी बन गई। इधर बाबा दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, बाबा कहाँ पर जा रहे हैं, क्या बाबा ने पोथी बाज शोन को नहीं बचाना, अरे मुझे तो कोई और ही प्लान लग रहा है बाबा का। तभी बाबा दूसरी तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर छुपकर बैठ जाते हैं। अरे बाबा छुप क्यों रहे हैं। तभी बाबा इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे लगता है बाबा किसी का वेट कर रहे हैं। अरे ये तो चक्की डोल है, मतलब बाबा इसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन बाबा छुप क्यों गए, लगता है बाबा इसको सरप्राइज देना चाहते हैं। चक्की डोल आहिस्ता आहिस्ता शोन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसका यहाँ पर कोई और भी वेट कर रहा है। अरे शोन तो टंगा हुआ है और इसके नीचे तो काफी ज्यादा आग जल रही है। तभी बाबा यहाँ से निकल खड़े होते हैं। बाबा अपनी पावर निकालते हैं और ये पावर चक्की डोल की तरफ जाती है और चक्की डोल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और ये रेजा रेजा हो जाती है। अरे ये तो खाक में मिल गया। और दोस्तों मुझे पता है आपके जेहन में क्या आ रहा होगा। इधर बाबा सबको बचा लेते हैं। अरे पोथी बाज शोन तो कुछ ज्यादा ही खुश है जो कि गुल्ली और बिल्ली के कंधे पर चढ़ बैठता है, लेकिन बाबा परेशान क्यों है, दरअसल बाबा का दोस्त का बेटा नहीं मिला। तो दोस्तों उसका क्या हुआ ये जानने के लिए हम चूचू चार रिटर्न में उसको जरूर बचाएंगे। दोस्तों क्या आपको चूचू चार रिटर्न देखनी है, कमेंट में बताइए, और क्या आपको टेंगे टेंगे चाहिए ये भी कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।